अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं खड़े मसालों से सफ़ेद कीमा, वाइट कीमा। बहुत ही मज़ेदार बनता है वो। जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो हम कुछ ज़्यादा नहीं डालने वाले, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उसमें गरम मसाले डाल दीजिए साबुत। ये है 5-6 हरी इलायची, 1 बादियान, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, 6-7 लौंग, 1 डंडी बड़ी दालचीनी की और 2 तेज पत्ता। ये सारे गरम मसाले डाल दीजिए और इसे तेल के अंदर फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब सारे गरम मसाले तड़तड़ा जाए तो 2 मीडियम साइज प्याज को छुंदा काटकर, बारीक काटकर इसमें डाल दीजिए और उसे भी डालकर फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती। अब जब कच्ची पक्की हो जाए प्याज, तो यहाँ पर साइड पर 1/2 किलो कीमा है, चिकन का कीमा है, धोया हुआ है, नितारा हुआ है, वो मैं डाल देती हूँ और उसे भी डालकर फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो हमारे कीमे का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाथ का कूटा हुआ कीमा लिया है। आप चाहें तो हाथ का या मशीन का कोई भी ले सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा हाथ का कूटा हुआ, क्योंकि चंक्स मुंह में आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। जब कलर चेंज हो रहा होगा आपको पता चलेगा कि पानी भी छूट गया है, तो कोई बात नहीं, पानी छूटने दीजिए और ये जो पानी है फास्ट या मीडियम आंच पर इसे बार बार चलाते हुए ऑल द मोस्ट सुखा लीजिए। जब ऑल द मोस्ट सूख जाए और हल्का सा भिजभिजा लगे, तब यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी डालकर, मैं तो फास्ट आंच पर फ्राई कर रही हूँ, आप मीडियम पर कर सकते हैं, तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए अदरक लहसुन के पेस्ट की, और यहाँ इसका जो पानी है ये पूरी तरीके से सूख ना जाए और तेल छूटने ना लगे, तब तक फ्राई कीजिए। ये देख सकते हैं आप, तेल छूट रहा है ना। तो अब डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर और 3/4 छोटा चाय का चम्मच या 1 छोटा चाय का चम्मच नमक। ये तीनों चीज डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसी समय डाल दीजिए 3-4 साबुत लाल मिर्चियों को बीच में से तोड़कर, मैंने थोड़े से बिज्जे भी निकाल लिए हैं इसके, और एक बार चला लीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक आप देखें पूरी तरीके से तेल छूट रहा और नीचे हल्का हल्का लगने लगा है। तो अब डाल दीजिए 1/2 कप दही। ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है और रूम टेम्परेचर पे इसे डालकर बार बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक फ्राई कीजिए। कंटिन्यूस चलाते रहिएगा, नहीं तो कड़लप हो जाएगी दही। 3-4 मिनट जब आप दही डालकर भूने और उसका तेल छूटने लगे, मतलब दही भी भून चुकी है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3/4 कप जितना पानी। अब आप आपके हिसाब से 1/2 कप भी डाल सकते हैं, मैं 3/4 कप पानी डाल रही हूँ और इसमें उबाल खिला लीजिए। एक उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 12-13 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आंच पर ढक कर। 10-12 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ 12 मिनट के बाद। तो ये देखिए चिकन पूरी तरीके से हो चुकी है, पहले भी तो हमने फ्राई किया है ना, और चिकन बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल देती हूँ और 1/4 कप जितनी मलाई डाल दीजिए। नमक चाहे तो एडजस्ट कर लीजिए, ये बाजार की मलाई है, आप घर की भी डाल सकते हैं, उसे फेंट कर या पीस कर डालिएगा। एक बार चला लीजिए और 1/2 मिनट तक उसे फ्राई कीजिए। जब 1/2 मिनट हो जाए तो ढक कर स्लो आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए दम पर। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। थोड़ी सी हरी मिर्चियों को मैंने स्लिट मारकर लंबी लंबी डाली है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई लंबी लंबी अदरक डाल दीजिए और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया। ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार से खड़े मसालों वाला चिकन सफ़ेद कीमा। आप इसे वाइट चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो इसे मैं प्याले में निकाल लेती हूँ, गर्मा गर्म आप चाहें तो इसे रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। अच्छा, हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्चियाँ, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये चारों चीज़ों से स्पाइस होता है, तो वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। और इसके ऊपर जब आप सर्व करें ना, तो थोड़ी सी कोथमीर और थोड़े से अदरक के पीसेस डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा।
तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, सुलेखास किचन रेसिपीज पर, और अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।